जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर मैं अपनी मम्मी के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आ रही हूँ। तो मम्मी को जैसे पैदल चलने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे घोड़े और पालकी की सुविधा इस बार कैसी है? तो घोड़े पे जाना बेटर रहेगा या पालकी पे, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने बताया सुविधा कैसी है। सुविधा बहुत अच्छी है, घोड़े वाले भी बहुत हैं, पालकी वाले बहुत हैं, पर सेम चीज वही है कि आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बिना अच्छा, बार्गेनिंग के आपका काम नहीं चलेगा। प्राइस नहीं है कोई जो गवर्नमेंट तय करती नहीं, है? गवर्नमेंट का प्राइस है, उससे सस्ते में भी घोड़े वाले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा, भीड़ कम होती है तो सस्ते में जा रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से यात्रा रुकी हुई थी, तो घोड़े वालों ने अपने मुंह मांगे, रेट मांगे। पर हाँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो या एक दो घोड़े वालों से पूछ लो, तो बार्गिंग करके रेट अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत ठीक नहीं है। और जाना किस पे चाहिए? अगर रिस्क वाले, पैसे की दिक्कत नहीं है आपको, तो पालकी में जाना की चाहिए, क्योंकि पालकी में आपका ही मानिए गुफा तक आपका 25 से 30 हज़ार रुपये बीच में लग जाएगा, और वही घोड़े में आप 5 से 6 हज़ार में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी रिस्क वाली बात नहीं, पर वही है कि घोड़ा ढंग का हो, और घोड़ा चलाने वाला ढंग का हो, और किस्मत ठीक हो, तो घोड़े पे भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो पालकी तो पूरी सेफ है ही है, भगवान की दया से। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी।